आ गई रही चटोरी में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। इस टाइम लॉकडाउन है, पूरा भारत बंद है, ऐसे में कोई बाहर आ जा नहीं सकता है, तो हम भी अपने शो के लिए कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसे में जो हमारे घर में चीज़ें हैं जिससे हम घर में ही कुछ बना सकते हैं और आप तक पहुँचा सकते हैं, तो हमने घर में ही बनाना शुरू किया है। और हमने इस बार गुड़ के चावल बनाए हैं जो मैंने अपने घर में अपनी बेटी को सिखाया है, उससे ही पकवाए हैं, ताकि ये जो टाइम मिला है तो बच्चों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। और हम जो चीज़ें पुरानी हैं वो लोगों ने खाना बंद कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें लोगों को पता चलें, लोग वो खाएँ। वैसे भी गुड़ इस टाइम पर लोग कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है, गुड़ खाना चाहिए, तो बहुत से लोग हैं गुड़ का काढ़ा बना के पी रहे हैं, गुड़ की चाय बना के पी रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम गुड़ के चावल बना के खाएं। गुड़ तो किसी ना किसी तरह से जाएगा ही हमारे शरीर में, तो गुड़ के चावल फ़ायदे भी देते हैं। और पहले लोग इसको बहुत शौक से बना करके घर में खाते थे। ये गुड़ के चावल किस तरह बनाऊंगी? चावल हैं ये, इनको एक घंटे भिगो देते हैं, और ऐसे नॉर्मल चावल हैं तो 10-15 मिनट भिगो दिए, और ये बासमती के हैं तो इसलिए हमने इसको एक घंटे भिगो देते हैं। फिर इसका पानी खौला लेंगे, इसी पानी में इसको बॉयल कर लेंगे चावलों को भिगोने के बाद, और उसमें 2 लौंग डाल देंगे, 1 इलायची डाल देंगे, बस पानी में चावल खुशबू आ जाए। मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं, 250 ग्राम गुड़ और काजू बादाम अपने हिसाब से डाल लिए हैं, और गरी है, लौंग और रिफाइंड है। फैट कितना है? 1 कटोरी 100 ग्राम करीब खोल चुका है। अब मेरा पानी खोल चुका है, तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी। ये चावल गल गए हैं हल्के से, हमको इतने इसमें ज़्यादा गलाने नहीं हैं, इतने गलाने हैं कि एक कन के बाकी रहें, और इसके बाद हमको पसा लेना है इसको, और गुड़ के पानी में हमको इसके बाद खोलाना है इसको। हमने एक कटोरी तेल डाल दिया, चावल डाल, लौंग भी डाल दी, ये चावल है, इसका पानी एकदम निकल चुका है, एकदम सूखे सूखे हो गए, पानी एकदम हमने गिरा दिया है, इसका सारा गुड़ घुल चुका है पूरा, और इसका गुड़ पानी में इतना अच्छा खुल गया, पानी ऐसा हो गया एकदम। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, ये जैसे कि ये गुड़ के चावल हैं, और ये गुड़ के चावल पहले जो है गांव में लोग बनाते थे इसको और खाते थे, अब आजकल के टाइम पे लोग चाउमीन, मैगी और चाइनीज़ चीज़ें ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब लोग पसंद ही नहीं करते, किसी घर में बनती ही नहीं है। और इस टाइम पे कोरोना वायरस है, गुड़ लोग बता रहे हैं कि गुड़ का काढ़ा पियो, गुड़ की चाय पियो, तो गुड़ फ़ायदेमंद है। मैंने भी सोचा कि हमारे घर में अभी इस टाइम गुड़ रखा है, बाज़ार बंद है, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, जो चीज़ें घर में हैं मुझसे कुछ बनाएं, तो गुड़ मिल गया घर पे और कुछ चीज़ें मिल गई, चावल रखे, चावल तो सबके घर में होते ही हैं हमेशा, तो फिर हमने गुड़ के चावल आज बनाए हैं। इस तरह बच्चे खाएंगे भी, और जो आजकल बाहर की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ज़रूर खाएंगे, अगर मिल रही होती तो शायद ना खाते। ये गुड़ के चावल बन के तैयार हो चुके हैं। कुमकुम, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इस शो में हम साथ में नहीं हैं, और होती तो तुम्हें भी ये चावल बहुत पसंद आते, मैं भी इसको खाऊंगी। कोई और होता खाने वाला तो इसका स्वाद बताता, अब मेरे घर के ही बने हुए हैं तो अपनी तारीफ़ अपने आप तो करनी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और इस कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में, आप लोग बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, जो भी आपके घर में है वही खाएं, वही पकाएं, बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर ना जाने दें, और बार बार हाथ धोएं, सेफ्टी से रहें घर से बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर ना ही जाना पड़े।